हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के चटपटे मसालेदार करारे करारे पराठे, और साथ में है बूंदी का रायता और चटपटी टमाटर की चटनी। तो हमने आलू बॉईल करके रख लिए हैं, अब उनको हम चल रहे हैं फ्राई करने के लिए। तो हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब उसमें हम डालेंगे जीरा और कटी हुई हरी मिर्च, साथ में डालेंगे एक पिंच हींग। थोड़ा सा जीरा और मिर्च फ्राई हो चुका है, अब उसमें हम डालेंगे अन्य मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर मत डालें, और आलू डाल के उसको फ्राई करते हुए मैस करें। अगर मैसर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैसर से तो बहुत अच्छा आलू मैस होता है। और फिर उसमें नमक डालें और अमचूर पाउडर डालें, फिर जब अच्छी तरीके से सब मिक्स हो जाए फिर उसमें सबसे लास्ट में कटी हुई हरी धनिया डालें और उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दें। तब तक हम सॉफ्ट आटा गूँथ लेते हैं। उसके बाद में हम तवा गर्म करने के लिए रखते हैं। अब हम आटे की छोटी सी लोई लेंगे और उसको कटोरी का आकार देंगे, फिर उसमें आलू फ्राई आलू जो रखा है उसका बॉल टाइप में बना के उसमें आटे की लोई के अंदर बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में अच्छी तरीके से बेलेंगे, इतने हल्के हाथ से बेलना है ताकि आलू आटे से बाहर ना निकले और वो फटे नहीं। अगर फट जाएगा तो पराठा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अब हमने बेल लिया है, उसको तावे में डाल दिया है। अब हल्के हाथ से हम कोई भी ऑयल लेके उस पर लगाएंगे और पलट के दूसरी तरफ लगाएंगे। इस तरीके से लगाते हुए हल्के हाथ से लाल लाल पराठे हो जाएंगे तो देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। इसलिए हम पराठे को एकदम स्लो आँच में सेक लेंगे। सेकते हुए ध्यान दें कि पराठा फटने ना पाए, और फिर उधर दूसरे पराठे की भी तैयारी करते हैं। इसलिए हमने दूसरा पराठा भी बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो हम देखिए किस तरीके से बेल रहे हैं, हमारा पराठा एक भी फट नहीं रहा है, इसलिए हमने दूसरा पराठा भी तवे में डाल दिया है। डालने के बाद में उसको हल्के हाथ से फिर पलटेंगे और आराम आराम से रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा बन रहा है। अगर आपको बिना फ्राई आलू मसाला के पराठा अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसकी भी रेसिपी ज़रूर डालेंगे। देखिए हमारा ये पराठा भी अच्छी तरीके से फूल रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप भी आलू का पराठा बनाएं और इंजॉय करें। और अब हम बताने जा रहे हैं टमाटर की चटनी किस तरीके से बनाएं। इसलिए हमने दो टमाटर लिए हैं और तीन हरी मिर्च, तीन चार कली लहसुन की और कुछ हरी धनिया पत्ती लिया है, उसको ग्राइंडर में पीसा है और फिर सबसे लास्ट में नमक मिलाया है। नमक लास्ट में इसलिए मिलाया है क्योंकि वो पानी नहीं छोड़ेगा। अगर पहले डाल देते हैं तो चटनी पानी छोड़ देती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती। पराठा तैयार हो गए हैं, इनको बरसात के मौसम में ज़रूर ट्राई करें। और पराठा अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।